Assalamualaikum everyone. Today we are going to learn about subtraction. What did we do in our last class? We learned about addition and how can you add numbers by using number line. So in today's video, we are going to learn about subtraction and how can you subtract numbers by using number line. Okay. For the definition. सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे, यानी टेकिंग अवे मतलब निकाल लेना, किसी भी सेट या ग्रुप में से कुछ निकाल लेना, दैट इज़ सब्ट्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ थ्री मार्कर्स विच इज़ ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक. सो अब मैंने इसमें से एक मार्कर निकाल लिया, सो यानी आई टुक अवे वन ऑफ द मार्कर्स. सो इसका मतलब मैंने थ्री में से वन को सब्ट्रैक्ट कर दिया. ऑलराइट, नाउ इट इज सिंबलाइज बाय माइनस साइन. सिंबलाइज का मतलब मैंने आपको बताया था, सिंबलाइज मतलब हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका साइन क्या होता है. तो इसका साइन क्या होता है, ये नेगेटिव साइन होता है. ऑलराइट, नाउ द आंसर वी गेट बाय सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर्स इज कॉल्ड डिफरेंस. यानी हमें जो दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके आंसर मिलता है, हम उसे कहते हैं डिफरेंस. फॉर एग्जांपल, एज आई हैव रिटन हियर, 7 - 3 = 4. ठीक है, तो अब 4 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 4 विल बी आर डिफरेंस, क्योंकि 7 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया. अब हमारा जो आंसर आया है वो हम उसे कहेंगे डिफरेंस. ठीक है, लेकिन सेम एज अब आप रिकॉल करें, जब हमने एडिशन किया था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 7 + 3, तो हमारे यहाँ पे जो आंसर आ रहा था हम उसे क्या कह रहे थे, सम. ठीक है, लेकिन जब हम माइनस करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा हम उसे सम नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे डिफरेंस. ऑलराइट, नाउ बाई यूजिंग नंबर लाइन, हाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट नंबर्स बाई यूजिंग नंबर लाइन. आपको याद है हमने जब एडिशन का पढ़ा था तो हमने क्या चेक किया था, हमने पहले अपना फर्स्ट डिजिट चेक किया था. ठीक है, और फिर वहाँ हमने छोटी सी बॉल बना ली थी. फिर हमने अपना सेकंड डिजिट चेक किया था और हमने अपनी बॉल को उतने टाइम्स फॉरवर्ड जंप करवाया था, यानी हमने अपनी बॉल को राइट साइड की तरफ जंप करवाया था. ठीक है, लेकिन अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हमें सब्ट्रैक्शन में अपनी बॉल को लेफ़्ट साइड की तरफ जंप करवाना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमने यहाँ एग्जांपल ली है 3 - 2. ठीक है, तो एज़ यूजुअल हमें वैसे ही चेक करना है, हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है, 3. तो हमने अपनी बॉल कहाँ बना लेनी है, 3 पर. ठीक है, अब हमें अपना सेकेंड डिजिट चेक करना है, हमारा सेकेंड डिजिट है 2. सो वॉट डज़ दैट मीन, कि हमें अपनी बॉल 2 टाइम्स जंप करवानी है, पर क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, सो दैट्स वाई हमें अपनी बॉल राइट साइड पे नहीं लेफ़्ट साइड पे जंप करवानी है. कैसे, मैंने 3 पे बॉल बनाई और फिर मैंने अपनी बॉल को 2 टाइम्स जंप करवाया. ठीक है, 1 और 2. फिर मेरे पास सम क्या आया, सॉरी मेरे पास डिफरेंस क्या आया, आंसर क्या आया, मेरी बॉल कहाँ की रुकी, 1 पे. सो व्हाट डज दैट मीन, That means 1 will be our difference, yani 1 will be our answer. So got that? Now we will do another example. So here I've written 5 - 3. हमें क्या subtract करना है अब, 5 - 3. ठीक है, so अब वही हम trick apply करेंगे. आपने क्या check करना है, first you need to check the first digit. और आपका यहाँ पे first digit क्या है, 5. सो वॉट डज़ दैट मीन, आपको अपनी बॉल कहाँ बना लेनी है, आपको अपनी बॉल बना लेनी है 5 पे. ठीक है, नाउ यू नीड टू चेक द सेकेंड डिजिट. वॉट इज़ योर सेकेंड डिजिट, योर सेकेंड डिजिट इज़ 3. सो वॉट डज़ दैट मीन, कि आपने अपनी बॉल को 3 टाइम्स बैकवर्ड जंप कराना है, यानी लेफ़्ट साइड की तरफ, क्योंकि ये माइनस है ना. अगर प्लस होता तो हमें अपनी बॉल कहाँ जंप करवानी होती, फॉरवर्ड. पर क्योंकि ये माइनस है, सो दैट्स वाई हमें अपनी बॉल जंप करवानी होगी बैकवर्ड्स लेफ़्ट साइड की तरफ. ऑलराइट, सो नाउ डू इट विद मी. ये हमने 5 पे बॉल बना ली, अब हमें 3 टाइम्स जंप करवाना है क्योंकि हमारा सेकेंड डिजिट है 3. सो करवाएं मेरे साथ, 1 2
3. अब हमारी बॉल कहाँ आके रुकी? हमारी बॉल आके रुकी यहाँ 2 पे. सो व्हाट डज दैट मीन? दैट 2 इज़ आवर डिफरेंस. ठीक है, 2 विल बी आवर आंसर. सो व्हाट डू वी हैव टू राइट हियर? वी हैव टू राइट हियर 2. सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा दैट हाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट नंबर्स बाई यूजिंग नंबर लाइन. ओके, नाउ वी विल डू आवर वर्ब ऑफ वर्किंग.